तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हाजिर हो चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग तमिल मूवी जो आई थी जापान, उसकी OTT रिलीज डेट के बारे में बात करने वाले हैं। उसकी OTT रिलीज डेट कन्फर्म कर दी गई है। तो ये मूवी आप लोगों को कब देखने को मिलने वाली है और किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। तो गाइज, अगर आप लोगों को भी जानना है तो बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना ऐसी ही और वीडियोस के लिए। तो गाइज वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज इस मूवी के जो लीड रोल में भी आपको देखने को मिले थे वो थे कार्थी। सो जी हाँ गाइज, सुपरस्टार कार्थी आप लोगों को जापान मूवी के लीड रोल में देखने को मिले थे। और ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप हो चुकी है। जी हाँ गाइज, ये मूवी ज्यादा चल नहीं पाई और एक फ्लॉप मूवी बन चुकी है। और मूवी को टोटल 4 लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था, जिसमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम शामिल थी, उसमें हिंदी शामिल नहीं थी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की OTT रिलीज डेट की। वैसे तो इस मूवी को लोगों ने देख ही लिया होगा थिएटर जाकर, लेकिन बहुत सारी पब्लिक ऐसी थी जिन्होंने रिव्यूज़ देखकर इस मूवी को जो है वो थिएटर जाकर देखना पसंद नहीं किया, बल्कि इसका OTT पर आने का वेट कर रहे थे कि कब ये मूवी OTT पर आएगी और इस मूवी को देखेंगे। तो अगर आप भी उन्हीं पब्लिक में से हो तो इसकी ऑफिशियल OTT रिलीज डेट आ चुकी है। इस मूवी के जो OTT राइट्स है वो है नेटफ्लिक्स के पास, और ये मूवी आप लोगों को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं ये इस मूवी की रिलीज डेट की। तो ये मूवी आप लोगों को देखने को मिलेगी 11 दिसंबर को। जी हाँ गाइज, डेट लॉक कर लो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो 11 दिसंबर से आप लोग इसको नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं क्या ये मूवी हिंदी में आएगी या नहीं। तो आप लोगों को बता दूं, हिंदी में अभी इस मूवी को रिलीज नहीं किया जाएगा। इस मूवी को अभी सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में, यानी कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में ही रिलीज किया जाएगा। इसका हिंदी डब वर्जन अभी तक कन्फर्म भी नहीं किया गया और इसकी हिंदी डबिंग भी अभी तक नहीं की गई। तो देखते हैं कब तक ये मूवी हिंदी में आती है। जैसे ही इसकी हिंदी रिलीज के बारे में कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर कर दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी जरूर कर देना। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।